जागतिक वारसा म्हणून युनेस्कोनं गौरवलेल्या तसंच स्थापत्यशैलीचा अद्भुत नमुना अशी ओळख असलेलं छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस अर्थात CSMT इमारतीला 130 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. 20 मे याच दिवशी या ऐतिहासिक वास्तूनं 130 वर्ष पूर्ण केली आहेत. या निमित्ताने हा विशेष वृत्तांत. मायानगरी मुंबईची ओळख ज्या इमारतीमुळे अधोरेखित होते त्यातली सर्वात प्रमुख इमारत म्हणजे आताची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि पूर्वीची व्हिक्टोरिया टर्मिनस ही इमारत. 1878 ते 1888 या काळात ही इमारत बांधून पूर्ण झाली. राणी व्हिक्टोरिया हिच्या 50व्या वाढदिवसानिमित्त उभारण्यात आलेल्या या इमारतीसाठी त्याकाळी 16,14,000 रुपये खर्च आला. गॉथिक शैलीत इंग्रजी सी या अक्षराच्या आकारात पूर्व पश्चिम असं हे बांधकाम करण्यात आलं. भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड बिल्डिंग है. गॉथिक आर्किटेक्चर में बनाई हुई एक मार्वलस बिल्डिंग है जिसे फ्रेडरिक स्टीवन जो इनके आर्किटेक्ट थे उन्होंने 16 लाख रुपए की लागत से इस बिल्डिंग को पूरा बनाया था उस पीरियड में. गॉथिक शैलीतल्या उत्कृष्ट बांधकामाचा नमुना अशी ओळख असलेल्या या इमारतीचा समावेश 2004 युनेस्कोनं जागतिक वारसा लाभलेल्या स्थळांच्या यादीत केला. या इमारतीची भव्यता सौंदर्य आणि स्थापत्य कलेचे बारकावे पाहण्यासाठी देश विदेशातून लाखो पर्यटक या इमारतीला भेट देतात. पुरानी जैसे बनी हुई बहुत जैसे ऐसे लग रहा है जैसे हम यूके में आ गए हैं. ऐसे लग रहा है हम यूके में खड़े हुए हैं. ये बहुत अच्छा लगा हमें इतनी पुरानी बिल्डिंग है देख के जो अभी बिल्कुल ही सही सलामत खड़ी हुई है. धरोहर है अपनी पुरानी है बिल्डिंग बनी हुई है अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है जितनी भी बिल्डिंगे हैं. ये है कि थोड़ा मेंटेनेंस मांगती है गवर्नमेंट से. मेरी यही अपील है कि इनको मेंटेन रखे. मुंबई के बारे में कुछ भी सर्च करते हैं तो इस बिल्डिंग का नाम सबसे ऊपर रहता है और अभी हमने आके देखा कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है और दिखने में बहुत अच्छी है और हजारों साल पुरानी बिल्डिंग है और अभी भी यूं के यूं है. हम सिटी व्यूज को देखने के लिए आए हैं और ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है. हमें ऐसी बिल्डिंगों को संजो कर रखना चाहिए, इनकी पूरी सुरक्षा करनी चाहिए ताकि हमें आगे तक ये आने वाली पीढ़ियों में देखने को मिले. मध्य रेल्वेचं मुख्यालय असलेली ही वास्तू देशातल्या सर्वात गर्दी असलेल्या रेल्वे स्थानकांपैकी एक आहे. या वास्तूची स्वतःची अशी एक ओळख आहे, त्यामुळेच यासारखी वास्तू पुन्हा उभारली जाणं सहज शक्य नाही. म्हणूनच अशा जागतिक दर्जाच्या वास्तूंचं जतन, संवर्धन आणि निगा राखण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे. देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.